और इंडोनेशिया के बाली में G20 की आज बैठक है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। यूक्रेन का मुद्दा G20 की बैठक में उठ सकता है। इंडोनेशिया के बाली में आज से होने जा रही G20 की बैठक में यूक्रेन संकट की गूंज सुनाई देने की उम्मीद है। वार्ता से पहले ही इसको लेकर चिंताएं सामने आने लगी हैं। बाली पहुंचने से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरो कई एशियाई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनका मकसद वार्ता से पहले समर्थन जुटाना और क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत बनाना है। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कई तरीकों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाने की फिराक में हैं, जिसमें नवंबर में बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की धमकी भी शामिल है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मामले में इंडोनेशिया ने तटस्थ रवैया अपनाया है और राष्ट्रपति जोको विदोदो भी इस मामले में अपने रुख पर कायम रहे। यूक्रेन G20 समूह में शामिल नहीं है, लेकिन विदोदो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नवंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो वह सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा पर नजर रखेंगे।